सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और करीबी अहमद पटेल का कल बड़ा इम्तिहान है। कल गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव है और अहमद पटेल की सीट अब तक फंसी हुई है। हालांकि उन्होंने जीत का दावा किया है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये राह आसान नहीं होगी। और अब 2 एनसीपी के विधायकों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव की इस दिलचस्प लड़ाई में अजमाए गए दांव पेचों पर जनमन विशेष। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ही, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे जो विधायक हैं कॉन्फिडेंट। आई सैल्यूट माय एमएलएस कि जो इतने दिन के बाद कल जो मैंने देखा, जो उनका जो मूड था, अपबीट था, जो उत्साह था, एक परिवार की तरह एक बॉन्ड था। तो मुझे लग रहा है, मुझे मेरे जो विधायक है उस पर पूरा विश्वास है और नतीजा कल अच्छा ही आया। बड़े इम्तिहान से पहले अहमद पटेल बेफिक्र हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि उन्हें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। हमारा एक जो एमएलए है जीतू भाई चौधरी, उनके क्लोज रिलेटिव, उनके भतीजा एक्सपायर हो गए, उनको कहा कि आप जाइए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। रक्षाबंधन के लिए हमने कहा उनको, पूरे परिवार को हम यहाँ पे बुलाएंगे, वो भी कहा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम कमिटेड हैं और जहाँ तक हम अपना वोट नहीं डाल देंगे वहाँ तक हम घर नहीं जाएंगे, तो ये कमिटमेंट है। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल अपने चुनाव को लेकर इतने परेशान कभी नहीं रहे होंगे जितने अब हैं। बीजेपी ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए अहमद पटेल की ऐसी घेराबंदी की है कि कांग्रेस अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु में छिपाने को मजबूर हो गई। सुबह से 44 विधायक 9 दिन के बाद वापस गुजरात लौटे तो कांग्रेस ने अहमदाबाद से 82 किलोमीटर दूर आनंद के निजानंद रिजॉर्ट में इनका ठिकाना बना दिया। इसी लग्जरी बस में सवार होकर कांग्रेस के विधायक भारी सुरक्षा के बीच रिजॉर्ट पे पहुंचे। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में कोई भी और कांग्रेस विधायक टूट न सके, इसलिए पार्टी इन्हें इकट्ठा ही रख रही है। कांग्रेस विधायक कल यहीं से राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए गांधीनगर जाएंगे। कांग्रेस के 7 विधायक बेंगलुरु नहीं गए थे, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि उनके सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का ही साथ देंगे। नहीं, सभी 44 हमारे साथ हैं और बाकी भी साथ देंगे, तो सभी आएंगे और वोट देंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए 15 करोड़ का ऑफर दिया था। फिलहाल 6 कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात में कल राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव है। बीजेपी से अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में राज्य के विधायक वोट डालते हैं। गुजरात में कुल 182 सीट है। 6 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद 176 विधायक हैं। गुजरात में बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 51 विधायक हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 45 विधायकों का वोट चाहिए। अमित शाह और स्मृति ईरानी का राज्यसभा पहुंचना तय है। अहमद पटेल और बलवंत सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। अगर कुछ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया तो अहमद पटेल की हार तय है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी भी गांधीनगर पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी की है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन विधायक किस प्रत्याशी के नाम पर पहली मुहर लगाएगा। बैठक में स्मृति ईरानी के अलावा तीसरे उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। सीएम विजय रूपाणी ने बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। आप दीवार पर लिख लीजिए, सीट कांग्रेस जीतने वाली है। 1 महीने से उसके नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, वो खुद और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एमएलए के हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है। ये राज्यसभा चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अहमद पटेल की हार और जीत को सोनिया गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपीए के 10 साल के राज में अहमद पटेल ही सोनिया गांधी की आवाज हुआ करते थे। अहमदाबाद से मयूर परीख के साथ भौमिक व्यास की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।